तो पिछले लेक्चर में मैंने वाई पैरामीटर खत्म किया था, ओके okay? उसमें कुछ एग्जांपल्स भी करवाए थे। इस लेक्चर में कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ओके okay? देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सर्किट है, इसका मुझे वाई पैरामीटर निकालना है। तो ये ना तो ये टी नेटवर्क है ना ये पाई नेटवर्क है, क्योंकि हमारे पास टी, अगर टी और पाई नेटवर्क होता तो हम इसका, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उससे हम कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को, अगर इस तरह के जो सर्किट दिए होते हैं इनके कैसे निकालते हैं इसको हम देखेंगे। ठीक, इसमें क्या करते हैं, हम एक एक पैरामीटर को स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, हम इक्वेशन लिखते हैं। अगर हमें वाई पैरामीटर निकालना है तो वाई पैरामीटर की इक्वेशन लिखते हैं। वो क्या होती है, आई वन इज इक्वल्स टू वाई वन वन वी वन प्लस वाई वन टू वी टू। ओके, आई टू इज इक्वल्स टू क्या होता है, वाई टू वन वी वन प्लस वाई टू टू वी टू। ठीक, इक्वेशन क्यों लिखते हैं, इक्वेशन लिखने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर पैरामीटर को निकालने के लिए हमें किसका किसका रेशियो लेना होता है। ओके, और किस किस साइड को मुझे शॉर्ट करना है, ओके, और किस साइड को मुझे क्लोज करना है, ये पता चल जाता है। ठीक, तो देखिए हमें वाई वन वन और वाई टू वन निकालने के लिए हमें वी टू को जीरो करना पड़ेगा, मतलब आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा, और वाई वाई वन टू और वाई टू टू को निकालने के लिए हमें वी वन को जीरो करना पड़ेगा, मतलब इनपुट हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाई वन वन और वाई टू वन निकालते हैं। ठीक, ये दो, इसके लिए हमें वी टू को शॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा, किससे, विथ आइडियल वायर से, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, इससे क्या हुआ, वी टू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, ये करंट कौन सा है, इधर जो जाता है, स्टैंडर्ड करंट क्या होता है, आई टू होता है। ठीक ना, यहाँ पे कौन सा करंट होता है, आई वन होता है। ठीक ना, आई वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये करंट क्या है, इस ब्रांच के करंट पर डिपेंड करना है, तो अगर ये आई वन मैंने लिखा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आई वन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इस ब्रांच के करंट पे ये डिपेंड कर रहा है, तो इस ब्रांच में मैंने आई कैपिटल आई वन लिखा तो यहाँ पे भी मुझे बदलना पड़ेगा, टू कैपिटल टू आई वन हो जाएगा। ठीक, यहाँ का वोल्टेज क्या है, मैंने माना वी वन, इनपुट वोल्टेज वी वन। ठीक, तो इसको मुझे क्लोज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, वी वन की जगह क्या, इसको कह लेता हूँ यहाँ पे एक सोर्स डाल देता हूँ, यहाँ मैंने एक सोर्स डाल दिया। ठीक, प्लस माइनस वी वन, इसका वैल्यू क्या होगा, वी वन होगी। ठीक, ठीक ना, चलिए अब मुझे मैंने क्या किया, V2 को मैंने जीरो कर दिया, तो जीरो किया तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये मेरा जीरो हो गया दोनों पार्ट, हमारा क्या बचा ये, तो Y11 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I1 by V1 का रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक, तो Y11 क्या होगा, I1 by V1। ठीक, और Y21 क्या होगा, I2 by V1 का मुझे रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए लेते हैं। ठीक ना, तो मैं क्या करता हूँ, नोडल एनालिसिस लगाता हूँ। ठीक, अगर नोडल एनालिसिस में आपको कुछ दिक्कत है तो मैंने ऑलरेडी नोडल एनालिसिस पे लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नोडल एनालिसिस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें रेफरेंस चूज करना होता है। तो ठीक, मैंने इस पॉइंट, इस नोड को मैंने रेफरेंस मान लिया। ठीक, अगर मैंने इसको रेफरेंस माना तो इसका मतलब ये हुआ, इस पॉइंट का वोल्टेज जीरो है। ठीक, यहाँ पे, ठीक ना, और इस वाले नोड पे हमें वोल्टेज पता है, इस नोड पे वोल्टेज कितना होगा, तो देखिए यहाँ मैंने जब जीरो माना तो टोटल यहाँ पे जीरो है। ठीक, यहाँ जीरो, फिर माइनस से प्लस जंप कर रहे हैं, कितना जंप किए, वी वन, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हुआ, जीरो से वी वन हो गया। इस नोड का वोल्टेज क्या है, वी वन है। ठीक, अब यहाँ इस नोड का वोल्टेज हमें नहीं पता, इसको मैंने क्या मान लिया, वी नॉट मैंने माना। ठीक, इस वोल्टेज को मैंने वी नॉट मान लिया। यहाँ इस नोड का वोल्टेज क्या होगा, तो देखिए यहाँ मैंने जब जीरो माना तो ये भी जीरो चलेगा, क्योंकि आइडियल वायर है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, सेम वोल्टेज रहेगा जो यहाँ पे है, वी वी जीरो जीरो जीरो, मतलब इस नोड का ही वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा। ठीक, तो चलिए सिर्फ अननोन वोल्टेज कौन सा है, वी नॉट है, हमें इस अननोन वोल्टेज को हम वी नॉट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो लेट्स से यहाँ से करंट कितना आ रहा है, आई वन आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इस नोड पे हम केसीएल इक्वेशन लिखते हैं, आई वन इज इक्वल्स टू, कहाँ का करंट जा रहा है, तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। ठीक, तो आई वन इज इक्वल्स टू, ये वाला करंट किधर है, इसकी वैल्यू क्या है, टू आई वन, 2i1, ये वाला करंट क्या होगा, तो देखिए अगर मुझे किसी रेजिस्टेंस का करंट निकालना है, ठीक, मुझे इधर मुझे इस डायरेक्शन का करंट निकालना है। ठीक, इस डायरेक्शन का करंट निकालना, तो i की वैल्यू क्या होगी, मुझे इस दोनों नोड के वोल्टेज पता होना चाहिए, तो इस नोड पे मैंने वोल्टेज क्या माना, v नॉट माना हुआ है, और इस नोड पे वोल्टेज क्या है, जब इसको मैंने रेफरेंस लिया तो ये क्या है, जीरो है, यहाँ जीरो है, तो इस डायरेक्शन का करंट क्या होगा, v नॉट माइनस जीरो बाई आर लिखोगे आप। ठीक, आई बस, चलिए ठीक ना, तो इस ब्रांच में करंट क्या होगा, प्लस वी नॉट माइनस माइनस जीरो, तो जीरो ही हो जाएगा, वी नॉट बाई फोर, प्लस
इस ब्रांच में करंट क्या होगा, वी नॉट माइनस जीरो, यहाँ पे वोल्टेज का जीरो, ठीक ना, डिवाइड बाई टू, वी नॉट माइनस जीरो मतलब जीरो ही हो जाएगा, ठीक, वी नॉट बाई टू, ठीक। तो मैंने क्या किया, आई वन इज इक्वल टू ये करंट प्लस ये करंट प्लस ये करंट, हमने लिख लिया, ठीक। अब आई वन माइनस टू आई वन क्या हो जाएगा, आई वन माइनस टू आई वन, आई वन माइनस टू आई वन इज इक्वल टू, इसका मैंने एलसीएम लिया, फोर आया, ठीक, वी नॉट प्लस टू वी नॉट, ठीक, ये कितना हो जाएगा, माइनस आई वन, ठीक, इज इक्वल्स टू थ्री वी नॉट बाई फोर, ठीक। तो आई वन की वैल्यू यहाँ से क्या आई, माइनस थ्री वी नॉट बाई फोर, ठीक। चलिए यहाँ से मैं आई वन की वैल्यू आ गई माइनस थ्री वी नॉट बाई फोर आ गई, ठीक। अब एक चीज बताइए, इस ब्रांच का करंट क्या है, आई वन इस पर फ्लो कर रहा है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आई वन इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ का वोल्टेज क्या है, वी वन है, ठीक, वी वन माइनस वी नॉट लिखेंगे, वी वन माइनस वी नॉट बाई एट लिखेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे हम आई वन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आई वन की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है क्या है, माइनस थ्री वी नॉट बाई फोर इज इक्वल टू वी वन माइनस वी नॉट बाई एट, ठीक, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, टू से कट गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, माइनस थ्री वी नॉट, ठीक, इंटू ये टू उधर जाएगा, इंटू टू इज इक्वल टू वी वन माइनस वी नॉट, ये क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स वी नॉट, ये इधर आएगा, प्लस वी नॉट इज इक्वल टू वी वन, ये कितना हो जाएगा, फाइव वी नॉट, सॉरी माइनस फाइव वी नॉट, वी वन की वैल्यू, ठीक। तो वी वन की वैल्यू में क्या आ गई, माइनस फाइव वी नॉट, वी वन की वैल्यू आई माइनस फाइव वी नॉट, ठीक। आई वन की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री वी नॉट बाई फोर, ठीक ना। अब देखिए मैंने भी क्या बताया था, वाई वन वन क्या होता है, वाई वन वन होता है आई वन बाई वी वन का रेशियो होता है, ठीक। कंडीशन क्या होती है, वी टू जीरो होना चाहिए, तो मैंने वही कंडीशन लेके ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, आई वन की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री वी नॉट बाई फोर डिवाइड बाई, वी वन की वैल्यू कितनी है, माइनस फाइव वी नॉट, ठीक, ये कैंसिल, माइनस माइनस वी नॉट वी नॉट, ठीक, ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये, तो ये थ्री बाई ट्वेंटी, ठीक, कितना आ गया, थ्री बाई ट्वेंटी, ठीक ना, फाइव इंटू फोर हो जाएगा, थ्री बाई ट्वेंटी आ गया। तो आई वन बाई वी वन यानी मतलब वाई वन वन की वैल्यू क्या आ गई, थ्री बाई ट्वेंटी, इसको क्या लिखेंगे आप, जीरो पॉइंट वन फाइव लिखेंगे आप, ठीक ना, आई बस समझ में। इसकी यूनिट क्या होगी, वाई वन वन की यूनिट क्या होगी, ये I बाई वी का रेशियो, मतलब ओम इनवर्स, V बाई आई क्या होता है, ओम होता है, अगर I बाई वाई का रेशियो क्या होगा, ओम इनवर्स होता है, तो ये वाई वाई वन की वैल्यू आई 0.15 ओम इनवर्स, ठीक। अब सिमिलरली हमें क्या, कौन सा वैल्यू निकालना है, Y21 निकालना है, ठीक, Y21 क्या होता है, I2 बाई वी वन, ठीक। देखिए अब मुझे I2 का रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक, I2 का, देखिए इस नोड पर आ जाइए आप, ठीक, यहां से करंट क्या आ रहा है, टू आई वन आ रहा है और आई टू आ रहा है, ये करंट मिलके क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो आप लिखोगे टू आई वन प्लस आई टू इज इक्वल्स टू ये वाला करंट, ये आया एक, ये करंट आया, दो करंट आ रहा है, इज इक्वल्स टू ये वाला करंट, ये वाला करंट क्या होगा इस डायरेक्शन में, यहां पर वोल्टेज कितना है, जीरो है, जीरो, यहां का वोल्टेज कितना है, माइनस वी नॉट डिवाइड बाई फोर, ऐसे लिखोगे आप, ठीक ना। चलिए I2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस वी नॉट बाई फोर माइनस टू टू आई वन, ठीक, टू आई वन की वैल्यू क्या आ गई, आई वन की वैल्यू पुट कीजिए, आई वन की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री वी नॉट बाई फोर, माइनस थ्री वी नॉट बाई फोर, ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक, थ्री इंटू टू क्या हो जाएगा, सिक्स, ठीक ना, फोर कॉमन ले लेंगे, ठीक ना, फोर जो एलसीएम हो जाएगा, तो माइनस सिक्स वी नॉट माइनस वी नॉट क्या हो जाएगा, फाइव वी नॉट बाई फोर, क्या हो गया, फाइव वी नॉट बाई फोर। तो आई टू की वैल्यू आ गई, हमें आई टू का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, आई टू की फाइव वी नॉट बाई फोर डिवाइड बाई वी वन की वैल्यू कितनी है, माइनस फाइव वी नॉट, फाइव वी नॉट, ठीक। तो फाइव वी नॉट, फाइव वी नॉट कैंसिल, कितना आया, माइनस वन बाई फोर यानी माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव ओम इनवर्स। ओम इनवर्स कौन क्या बोलते हैं, सीमेंस भी बोलते हैं, यानी यहां पे एस भी लिख सकते हैं, सीमेंस,
यूनिट, ठीक, पॉइंट वन। तो हमने कौन कौन सी वैल्यू निकाल ली, वाई वन वन की वैल्यू निकाल ली और वाई टू वन की निकाल दी। उसके लिए हमने क्या किया, वी टू ओपन आउटपुट पोर्ट को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक। अब इनपुट पोर्ट को हमें शॉर्ट करेंगे तो हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, वाई वन टू आएगी और वाई टू टू आएगी। चलिए वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमने वाई वन वन और वाई टू वन वैल्यू निकाल ली, अब हमें निकालना है वाई वन टू वाई टू टू निकालना है, ठीक। तो वाई वन टू और वाई टू टू निकालने के लिए हमें वी वन को जीरो करना पड़ेगा, ठीक। वी वन जीरो करने के लिए क्या करेंगे, हम इनपुट पोर्ट को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, आइडियल वायर से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक, ठीक ना। हमने कनेक्ट कर दिया। देखिए शॉर्ट करने से जीरो क्यों हो जाता है वोल्टेज, बहुत लोग को डाउट होगा, मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V1 इक्वल टू जीरो क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि ये एक आइडियल वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप क्या होगा, V2 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस टू पॉइंट के बीच में, ठीक। लेकिन यहाँ पे कोई ड्रॉप हो ही नहीं रहा है क्योंकि R की वैल्यू जीरो है, ठीक ना। तो I इंटू जीरो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो इस ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज सेम हो जाएगा, ठीक। तो लेट से ये VA माना, माना मैंने ना, और VB माना, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि VA इज इक्वल टू VB हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। इसलिए हम जब भी हम आइडियल वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो वोल्टेज, इसलिए हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट में जीरो बोलते हैं, ठीक। चलिए ठीक ना, तो हमने शॉर्ट कर दिया, V1 को मैंने जीरो कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज क्या है, V2 है, ठीक, प्लस माइनस V2। करंट इंटर कर रहा है I2, स्टैंडर्ड क्या होता है, इंटर करता है करंट ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक ना। तो मुझे इसको क्लोज करना है, तो हम क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक V2 वैल्यू का एक वोल्टेज सोर्स लगा दे रहे हैं, ठीक, प्लस माइनस V2। आई बस सुन, फिर यहाँ पे फिर से वही, यहाँ पे मैंने इस नोड पे वोल्टेज क्या माना, V0 माना, ठीक, अननोन वोल्टेज। नोडल एनालिसिस यूज करके फिर से मैं V0 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ठीक। ये जिसको मैंने रेफरेंस माना, इस पॉइंट का वोल्टेज क्या हुआ, जीरो हुआ, ठीक, ठीक ना। जब मैंने यहाँ पे बोला जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ तक जीरो है, इस पॉइंट तक जीरो है, ठीक, वोल्टेज। अब फिर से हम KCL इक्वेशन लिखेंगे, तो ये V1 जीरो हो गया, तो ये क्या बचा, सिर्फ ये बचा, ठीक। तो Y12 निकालने के लिए हमें I1 by V2 का रेशियो लेना पड़ेगा और Y22 निकालने के लिए I2 by V2 का रेशियो लेना पड़ेगा, ठीक। चलिए सो फिर से इस नोट पे हम KCL इक्वेशन लिखते हैं, ठीक। आई बस सुनने, तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा, I1 का रिलेशन आएगा, जिसे I1 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, यहाँ का वोल्टेज कितना है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेफरेंस माना है जीरो है, यहाँ पे भी जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो, तो जीरो माइनस वी नॉट बाई एट लिखेंगे आप, जीरो माइनस वी नॉट बाई एट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इस डायरेक्शन में करंट को, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज जीरो है, यहाँ का वोल्टेज क्या है, वी नॉट है, तो जीरो माइनस वी नॉट बाई एट लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ से रिलेशन क्या आया, आई वन इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एट आया, ठीक। अब यहाँ पे KVL इक्वेशन लिखते हैं इस पॉइंट पर, सॉरी KCL इक्वेशन लिखते हैं, ठीक ना। तो I1 is equals to क्या है, I1 is equals to ये करंट आया, तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये वाला करंट क्या है, 2I1, 2I1 प्लस ये करंट क्या होगा, V0 माइनस V2, V0 माइनस यहाँ का वोल्टेज क्या है, V2 है, डिवाइड बाई 4 प्लस ये वाला करंट क्या होगा, V0 माइनस 0 बाई 2, V0 माइनस 0 बाई 2, ठीक। I1 माइनस 2I1 क्या हो जाएगा, माइनस I1, ठीक ना। I1 माइनस 2I1 हो जाएगा माइनस I1, ठीक ना, माइनस I1 इज इक्वल टू ये, ठीक। अब 4 क्या हो जाएगा हमारा, LCM ले लेंगे, तो V0 माइनस V2 प्लस 2V0, ठीक ना, V0 प्लस 2V0 कितना हो जाएगा, 3V0 प्लस 3V0, ठीक ना। अब I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू V0 बाई 8 है, ठीक, तो माइनस I1 की वैल्यू कीजिए, V0 बाई 8 माइनस V0 बाई 8 है, ठीक ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आई से में तो V0 बाई 8, तो 4 एक 1 बाई 4 टू जा, ठीक। तो V0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2V2, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस 6V0, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6V0 का इधर लेके आइए, तो V0 माइनस 6V0 क्या हो जाएगा, माइनस 5V0, ठीक, माइनस 5V0 इज इक्वल्स टू माइनस 2V2, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक। तो V2 की वैल्यू क्या आई, V2 की वैल्यू आ रही है 5 बाई 2V0, मतलब 2.5V0, ठीक ना, V2 की वैल्यू हमारी आई।
आई पास समझ में, ठीक। तो देखिए y y12 क्या होता है, i1 by v2 होता है, तो i1 की वैल्यू पता है v0 के टर्म्स में, क्या लिखेंगे आप, माइनस v0 by 8, ठीक। v2 की वैल्यू कितनी है, 2.5 यानी 5 by 2 v0, ठीक। v0 v0 कैंसिल, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 पर जाएगा, 2 by 40, ठीक। ये कितना हो जाएगा 220 है, यानी माइनस 0.05 ओम इनवर्स, मतलब सीमेंस, ओम इनवर्स की यूनिट, ओम इनवर्स को हम सीमेंस ही बोलते हैं, ठीक। ये हमारी वैल्यू आ गई, वाई वन टू की वैल्यू हमने निकाल लिया, माइनस 0.05 ओम इनवर्स, ठीक। तो अब क्या बचा, वाई टू टू, मतलब आई टू बाई वी टू का हमें रेशियो लेना पड़ेगा। तो इस नोट पे हम आते हैं, फिर वी टू की वैल्यू क्या है आप लिख देते हैं, वी टू इज इक्वल टू 2.5 वी नॉट। अब हम इस नोट पे आते हैं, ठीक, इस नोट पे केसीएल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक ना। तो इस नोट पे देखिए कौन कौन से करंट आ रहे हैं, एक करंट I2 आ रहा है, एक करंट 2I1 आ रहा है, तो ये करंट प्लस ये करंट इज इक्वल्स टू ये वाला करंट, ठीक। तो 2I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू ये करंट का क्या होगा, इस डायरेक्शन करंट को क्या बोलेंगे, V2 माइनस V0, V2 माइनस V0 बाय 4, ठीक ना। I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है माइनस V0 बाय 8, ठीक। तो इधर ले जाइए, I2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, V2 माइनस V0 बाय 4, ठीक ना, माइनस 2i1 लिखेंगे, 2i1 को मैंने इधर लेके आया, ठीक। तो i1 की वैल्यू मैं पुट करता हूं यहां पे, i1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस v0 बाय 8, ठीक ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब 2 4 जा, तो क्या बचा, v0 बाय 4 बचा यहां पे, तो v0 बाय 4। अब ये v0 बाय 4 और ये v0 बाय 4 कैंसिल हो रहा है, ठीक, ठीक ना। तो क्या बचा, I2 is equals to V2 by 4, ठीक। अब Y22 क्या होता है, Y22 होता है I2 by V2 का रेशियो होता है, यहां से देखिए रेशियो में मिल रहा है, I2 by V2 is equals to 1 by 4 हो रहा है, यानी 0.25 हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये Y22 की वैल्यू आ गई, ओम इनवर्स या सीमेंस, एस आई सीमेंस या कैपिटल S से आप नोट कर रही, ठीक। इसकी वैल्यू क्या आई, 0.25, ठीक। तो हमारी सारी वैल्यू निकल के आ चुकी है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, देखने में आपको हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओके। कुछ ही स्टेप में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें भी वाई पैरामीटर निकालना है, ठीक ना। तो देखिए ये डिपेंडेंट सोर्स है, ओके, किस 0.1 V2 डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये कौन से वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, V2 वोल्टेज पे, ठीक। 0.1 V2 ये क्या है, करंट सोर्स है, ठीक ना, डिपेंडेंट करंट सोर्स है, किस करंट पर डिपेंड कर रहा है, इस I1 करंट पे जो है, ठीक ना, 20 I1, ठीक ना। ये पोर्ट 2 है, ये पोर्ट 1 है, तो मुझे Y11 और Y21 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली V2 को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, मतलब V2 इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इसको V2 को मैं शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ, ठीक। ये मेरा V2 जो है शॉर्ट सर्किट, मतलब V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। अब चलिए, अब देखिए एक बार मैं क्वेश्चन पूछूं कि इस ब्रांच में करंट कितना होगा, ठीक, तो आप क्या जवाब दोगे, ऑब्वियसली इस ब्रांच में करंट क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल ब्रांच है, रिटर्निंग पाथ नहीं है। अगर मान लीजिए करंट इधर आई जाता है, कोई करंट जाता है आई, तो आएगा कहां से, आने का कोई रास्ता है नहीं, इसलिए इस ब्रांच में करंट हमेशा जीरो होगा, ठीक ना। तो इस तरह के हमेशा इस तरह की कंडीशन में हमेशा करंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। इस ब्रांच में, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखिए जब मैंने इसको शॉर्ट किया, ठीक ना, तो 10 ओम क्या होगा, ये शॉर्ट किसके पैरेलल में किया, किसके क्रॉस, 10 ओम के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो भी करंट आएगा 20 आई बना रहा है, ये सारा का सारा करंट किधर जाएगा, इस साइड से जाएगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाने वाला, क्यों, करंट हमेशा लोवेस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, ये जो है आइडियल वायर है, इसका रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक ना। तो सारा का सारा करंट इधर से जाएगा, यहां से कोई करंट नहीं जाने वाला, ठीक। तो यहां से क्या लिखेंगे आप, 20, इस ब्रांच में करंट क्या फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है, तो यहां से क्या लिखेंगे, 20 I1 is equals to, 20 I1 is equals to क्या लिखेंगे, I2, ठीक, क्योंकि सारा करंट इधर से जा रहा है, किसके इक्वल हो जा रहा है, I2 के इक्वल हो जा रहा है, ठीक। तो हमको एक कंडीशन मिल गई, नंबर वन, ठीक। अब ये इसको मैं क्लोज सर्किट करता हूं, क्लोज सर्किट कैसे करूंगा, मैं यहां पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दे रहा हूं, प्लस माइनस का वोल्टेज सोर्स, इसकी वैल्यू क्या है, V1 है, ठीक। अब मैं यहां पर केवीएल इक्वेशन लिखता हूं, ठीक,
केवल इक्वेशन लिखेंगे तो माइनस से प्लस जाएंगे प्लस वी वन, प्लस से माइनस साइन करंट इस साइड डायरेक्शन जो आ रहा है तो प्लस इधर होगा माइनस इधर होगा, प्लस से माइनस माइनस फोर आई वन, ठीक, माइनस से प्लस जा रहा है तो प्लस 0.1 वी टू इज इक्वल्स टू जीरो, मैंने इसमें केवल लिखा लेकिन वी टू की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये क्या हो गया जीरो है, ठीक, इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या आया वी वन इज इक्वल्स टू फोर आई वन, ठीक, तो वी वन यहाँ से रेशियो क्या होगा, आई वन बाई वी वन का रेशियो क्या होगा, आई वन बाई वी वन का रेशियो क्या हो जाएगा, आई वन बाई वी वन का 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25, ठीक, ओम इनवर्स, ठीक। तो आई वन बाई वी वन क्या होता है, जब V2 इज इक्वल टू आई वन बाई वी वन, कंडीशन V2 इज इक्वल टू जीरो, ये किसके इक्वल होता है, कौन से पैरामीटर के इक्वल होता है, ये होता है Y11 के, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है Y11 के, तो हमारी Y11 की वैल्यू आ चुकी है। अब Y21 निकालना है, ठीक ना, जब हम V2 को जीरो करते हैं मतलब ओपन आउटपुट पोर्ट शॉर्ट करते हैं तो Y11 निकलता है और Y21 निकलता है, ठीक, ठीक ना। अब देखिए Y21 क्या हो जाएगा, I2 बाई V1, I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू 20 I1 है, 20 I1, यहां से V1 की वैल्यू कितनी है, V1 4 I1, I1 आ गया 4 5 सा, यानी Y21 की वैल्यू कितनी है 5 ओम इनवर्स यानी और सीमेंस, ठीक। तो हमारी कौन कौन सी वैल्यू आ गई, Y11 और Y21 निकल गई, आ गई, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, Y12 और Y22 निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक। चलिए अब मुझे Y12 और Y22 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट पोर्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब V1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे, किसका, उसकी वैल्यू क्या होगी, V2 होगी, ठीक, मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक ना। अब देखिए फिर से मैं क्या करता हूँ, इस लूप में केबल लिखता हूँ, ठीक, करंट इधर I1 फ्लो कर रहा है तो प्लस माइनस ये होगा, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस 4I1, ठीक, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस 0.1 V2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक ना, 0.1 V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4I1, ठीक। तो यहां से I1 बाई V2 की रेशियो क्या होगा, I1 बाई 0.1 डिवाइड बाई 4, ये कितना हो गया 0.025, ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई, I1 by V2 क्या होता है, इज इक्वल टू Y12 होता है, ठीक। तो Y12 की हमारी वैल्यू आ चुकी है, Y12 की वैल्यू क्या है 0.025, ठीक, ओम इनवर्स, ठीक ना। यहां से एक रिजल्ट और नोट करने वाली बात है, V2 की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी I1 की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है 0.1 बाई 4 वी टू इस रिलेशन से, ठीक है ना, तो इसका ये रिलेशन काम आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई 40 लिख सकते हैं, ठीक, 1 बाई 40, ठीक, ये रिलेशन काम आएगा। अब चलिए इस लूप में आते हैं, मुझे अब क्या निकालना है, वाई टू टू निकालना है, ठीक ना। तो देखिए वी टू की वैल्यू क्या होगी, वी टू किसके क्रॉस है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस है, ठीक ना। V2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें केवीएल इक्वेशन लिखिए, लेट से इस ब्रांच का करंट हमें नहीं पता, लेट से इसको हम I डैश मान रहे हैं, ठीक, I डैश मुझे नहीं पता I डैश की वैल्यू, ठीक। तो इस लूप में आप केवीएल इक्वेशन लिखिए, तो माइनस से प्लस गए तो प्लस V2, ठीक, फिर इधर करंट फ्लो कर रहा है तो प्लस माइनस होगा, तो माइनस 10 I डैश इज इक्वल टू जीरो। I डैश की वैल्यू क्या है, देखिए I डैश की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे केसीएल इक्वेशन लिखिए आप, ठीक ना, तो क्या होगा I2 इज इक्वल्स टू ये करंट प्लस ये करंट, तो I डैश प्लस 20 I1, तो I डैश की वैल्यू क्या आ गई, I2 माइनस 20 I1, ठीक। तो यहां से क्या होगा, V2 इज इक्वल्स टू क्या होगा 10 I डैश, ठीक। I डैश की वैल्यू क्या है, यहां पुट कीजिए आप I डैश की वैल्यू, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, I डैश की वैल्यू क्या है, I2 माइनस 20 I1, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 10 I2 माइनस 200 I1, तो V2 प्लस इसको दिलाई 200 प्लस I1 इज इक्वल टू 10 I2,
आई वन की वैल्यू कितनी, वन बाई वी टू बाई फोर्टी, तो वी टू प्लस 200, आई वन की वैल्यू कितनी, वी टू बाई फोर्टी, ठीक, जीरो जीरो कैंसिल, फोर फाइव जा, ठीक ना, तो फाइव वी टू प्लस वी टू क्या हो जाएगा, सिक्स वी टू, सिक्स वी टू इज इक्वल टू टेन आई टू, ठीक। अब यहां से आई टू बाई वी टू का रेशियो क्या आएगा, टेन इधर जाएगा, तो 0.6 ओम इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है, वाई टू टू की वैल्यू है, ठीक, ये किसकी वैल्यू है, वाई टू टू, आई टू बाई वी टू क्या होता है, वाई टू टू होता है, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टू पोर्ट नेटवर्क क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक टेक्निक आनी चाहिए, केवीएल, केसीएल, नोडल एनालिसिस, ये सब चीज़ों के बेसिक सर्किट सॉल्व करने की टेक्निक आपको आनी चाहिए, नहीं तो टू पोर्ट नेटवर्क में और कुछ है नहीं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।